वेलकम टू एकलव जीएस। मित्रों, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार बाघ संरक्षण केंद्र के बारे में बताते हैं। इसको देखिए, देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, देखिए इसको देखते हैं। असम में काजीरंगा मानस नामेरी ये राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा गैंडा संरक्षण के लिए है, मानस बाघ संरक्षण के लिए, नामेरी जो है राष्ट्रीय उद्यान हाथी बाघ संरक्षण दोनों के लिए, और आगे है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम में है। असम में है काजीरंगा मानस नामेरी डिब्रू सैखोवा ओरंग। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में नामधापा राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ संरक्षण के लिए है, और पाखू नमीरी अरुणाचल प्रदेश असम दोनों सीमा में पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कोलेरु राष्ट्रीय उद्यान पक्षी संरक्षण के, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। बिहार के देखते हैं, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, और गोवा में देखते हैं मोलन राष्ट्रीय उद्यान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में देखते हैं ब्लैक बक वालवडर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय जंगली गधा के लिए है, ये कच्छ किरण वन्य जीव अभयारण्य है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कछुआ एवं मूंगा संरक्षण मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा राष्ट्रीय मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये गुजरात में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान आगे देखते हैं, हरियाणा में सुल्तानपुर झील, ये झील चिड़िया अभयारण्य है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में देखते हैं डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हंगुल, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पक्षी संरक्षण, हमीश राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और अब देखते हैं झारखंड में, झारखंड में पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ये बाघ के लिए है, और है आगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जंगली हाथी के लिए, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये तीन जो है केरल में। आगे देखते हैं, और ये है मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अनेक प्रजातियों का संरक्षण, ये भी केरला में। तो कर्नाटक में देखते हैं नागरहोइल राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी बाघ संरक्षण के लिए है, बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये तितलियों के संरक्षण के लिए है, बनेर घट्टा जो है। मध्य प्रदेश में देखते हैं बोरी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्य में पड़ता है, ये पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। अगला देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, फौसिल राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, तादोबा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और अगला देखते हैं मेघालय, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान बाघ हिरण संरक्षण दोनों के लिए है, और बालपा खरन राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में, महाराष्ट्र के देखते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नागपुर यही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है दोनों, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं अब फिर मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान,
केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान ये नदी में तैरता हुआ है। आगे देखते हैं मिजोरम में डम्फा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अब हिमाचल प्रदेश में देखते हैं बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, कुंगातिर वन्य जीव अभयारण्य, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पहाड़ी तेंदुआ के लिए है। और पंजाब में देखते हैं, पंजाब में है अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान में केवलादेव भरतपुर में राष्ट्रीय उद्यान पक्षी संरक्षण के लिए, और रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र बाघ संरक्षण, मरुस्थल डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का ये अलवर जिला में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। सिक्किम में देखते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जैवमंडल के लिए। तमिलनाडु में देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान व्हेल डुगांग संरक्षण के लिए। अगला मुंडान धुराय राष्ट्रीय उद्यान, मुदमलाय राष्ट्रीय उद्यान, गिड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान पक्षी संरक्षण के लिए उत्तराखंड में देखते हैं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए नैनीताल में पड़ता है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी पूछा गया है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछा गया है, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछा गया है मोस्ट है, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरियन राष्ट्रीय उद्यान जयमंडल के लिए। नागालैंड में देखते हैं इंटकी राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट है, उड़ीसा में देखते हैं ये गहिरा माथा है वन्य जीव अभयारण्य हरा कछुआ संरक्षण के लिए, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ संरक्षण के लिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए। पश्चिम बंगाल में देखते हैं सुंदरबन वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण के लिए, ये 24 परगना जिले में पड़ता है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान, और छत्तीसगढ़ में देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और घंटा वाली बटन को दबा लीजिए जिससे नई वीडियो मैं लोड करूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।